इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं प्ले स्टोर में एप हाइड कैसे करें आपने यहां पे काफी सारा वीडियो देखा होगा कैलकुलेटर में छुपाने वाला या फिर सेटिंग से छुपाने वाला लेकिन इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से ही कोई भी ऐप को कैसे हाइड कर सकते हैं छुपा सकते हैं प्ले स्टोर से कोई भी ऐप हाइड करने से छुपाने से ये होगा कोई भी बंदा जो है आपके मोबाइल फोन में वो वाला ऐप या फिर वो वाला गेम डाउनलोड ही नहीं कर सकता है क्योंकि वो प्ले स्टोर पे ही छुप जाएगा तो आपके मोबाइल फोन में कभी भी नहीं आएगा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप को या फिर कोई भी गेम को से छुपा सकते हैं बस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो प्ले स्टोर से कोई भी एप या फिर कोई भी गेम को छुपाने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है अब यहाँ पे प्ले स्टोर जैसे आप ओपन कर लेते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मैंने जो है फ्री फायर सर्च कर लिया और यहाँ पे फ्री फायर आ रहा है मैंने यहाँ पे बीजीएमआई भी खोल लिया और यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ रहा है लेकिन जैसे हम ये वाला सेटिंग को कर लेंगे उसके बाद से मेरे फोन के अंदर फ्री फायर बीजीएमआई या फिर कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी गेम यहाँ पे नहीं आएगा कोई भी एप जो है यहाँ पे हाइड हो जाएगा काफी सारा ऐप को आप जो है प्ले स्टोर से हाइड कर सकते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर ओपन करने के बाद प्रोफाइल का ऑप्शन जो ऊपर के साइड में मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पे आने के बाद नीचे के साइड में जो आपको सेटिंग नाम का ऑप्शन देखने को मिलता है सिंपली आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है अब जैसे आप यहाँ पे आ जाइएगा नीचे के साइड में आपको एक फैमिली नाम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ है पेरेंटल कंट्रोल एंड पेरेंट गाइड इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पेरेंटल कंट्रोल का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है सेकेंड नंबर पर इसको जो है आपको ऑन कर लेना है ऑन करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे ऊपर के साइड में जो बटन है यहाँ पे ऑफ है सिंपली आपको इसको क्लिक करना है और इसको ऑन कर देना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया कोड बनाने के लिए बोला जाएगा यहाँ पे जो आप कोड बनाते हैं वही कोड से दोबारा आपका अनहाइड भी होगा कोई भी ऐप या फिर गेम तो इसलिए आपको इस पिन को याद भी रखना है चलिए एक नया पिन हम यहां पे बना लेते हैं पिन बनाने के बाद आपको ओके वाला बटन पर क्लिक करना है दोबारा से पिन बनाने के लिए बोला जाएगा सिंपली आप दोबारा से पिन बना लीजिए दोबारा से पिन बनाने के बाद आपको फिर से ओके वाला बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका ये वाला बटन ऑन हो जाएगा अब आपको एक छोटा सा काम करना है यहाँ पे ए पेन गेम पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे सबसे ऊपर के साइज में जो थ्री प्लस का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे अंडर स्टोर पर क्लिक करके आपको सिंपली ये वाला सेटिंग को सेव कर देना है जैसे दोस्तों आप ये वाला सेटिंग को सेव कर देते हैं आपका काम खत्म हो गया मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ

तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में